सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास इलेवेंथ इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का आपका जो चैप्टर, आपकी जो पोयम है द लबर्नम टॉप, उसके आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वो हमारे DY इंस्टीट्यूट की फैमिली के साथ जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लबर्नम ट्री द पोएम द लबर्नम टॉप। ऑप्शन ए है स्टिल एंड साइलेंट, ऑप्शन बी है मूविंग एंड एंग्री लाइक, ऑप्शन सी है साइलेंट एंड मोशनलेस, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टिल एंड साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट हैपेंड टू द लीव्स ऑफ द लबर्नम ट्री। ऑप्शन ए है देवर ग्रीन, ऑप्शन बी है टर्न येलो, ऑप्शन नंबर सी है फॉलन डाउन, ऑप्शन नंबर डी है न्यू लीव्स ग्रोइंग। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टर्न येलो। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऑप्शन ए है स्टिल एंड डेड लाइक, ऑप्शन नंबर बी है एलिव, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन एंड हैप्पी, ऑप्शन नंबर डी है स्टिल एंड ग्रीन। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टिल एंड डेड लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द डेड लाइक ट्री बिकम एलिव। ऑप्शन ए है इन द मंथ ऑफ मार्च, ऑप्शन बी है बाय द अरेवल ऑफ मॉनसून सीजन, ऑप्शन नंबर सी है बाय द अरेवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड, ऑप्शन नंबर डी है बाय द अरेवल ऑफ स्पैरोज। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाय द अरेवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why did the goldfinch bird came towards the tree? Option A है to feed her younger ones. Option B है to make a nest. Option number C है to rest. Option number D है none of the above. And your answer is option number A, to feed her young ones. Next question है, Where are the young ones of the goldfinch bird? Option number A है on the thickness of the branch. Option B है on the top of the tree. Option C है on other tree. ऑप्शन डी है दे वर नेवर देयर। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड। ऑप्शन ए है एज अ सेल्टर, ऑप्शन बी है एज अ सपोर्टर, ऑप्शन नंबर सी है एज अ मींस टू फीड हर फैमिली, ऑप्शन नंबर डी है एज अ रेस्टिंग प्लेस। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एज अ सेल्टर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। ऑप्शन ए है लाइक अ लिजर्ड, ऑप्शन बी है स्लोली, ऑप्शन नंबर सी है स्मूथली, ऑप्शन नंबर डी है बाई फ्लाइंग। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाइक अ लिजर्ड। How did the bird arrive at the other branch of the tree? Option A है by a chirping sound, option B है silently, option number C है never arrived at other branch, option number D है flew away and then arrived at the branch. And your answer is by a chirping sound. Tenth question है आपका, What happened after she fed her young ones? Option A है she flew away, option B है she flew to the other side of the branch, option number C है C stayed there, option number D है C took some rest in the nest. And your answer is option number B, C flew to the other side of the branch. Next question है, why was goldfinch body barely visible? Option number A है due to her dark colored yellow body, option number B है because she was small, option C है because of the height of the tree, ऑप्शन डी है बिकॉज सी वॉज ब्राउन इन कलर। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस। ऑप्शन ए है टू द ब्रांच, टू द अदर ब्रांच, ऑप्शन बी है टू द टॉप ऑफ द ट्री, ऑप्शन नंबर सी है टू हर नेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है बिहाइंड द येलो लीव्स। बच्चों, अब अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोस लाते रहेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहाइंड द येलो लीव्स। 13th क्वेश्चन है,
व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम। ऑप्शन ए है सी फ्लेव अवे, ऑप्शन नंबर बी है सी स्टेड एट द ट्री, ऑप्शन सी है सी वेंट टू अदर ट्री, ऑप्शन नंबर डी है सी वेंट टू ब्रिंग सम फूड फॉर हर यंग वंस। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सी फ्लेव अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द ट्री इन द एंड वेन द बर्ड फ्लेव अवे। ऑप्शन नंबर ए है इट वॉज स्टिल अलिव, ऑप्शन बी है नथिंग चेंज इन द लुक्स, ऑप्शन नंबर सी है इट वॉज डेड लाइक अगेन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इट वॉज डेड लाइक अगेन। 15th क्वेश्चन है व्हाट इंस्टेंस ऑफ एलिटरेशन हैज बीन यूज्ड इन द पोयम द लबर्नम टॉप आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन ए है इंजन ऑफ हर फैमिली, ऑप्शन बी है हर बियर्ड फिश, ऑप्शन नंबर सी है स्लीक एज अ लिजर्ड, ऑप्शन नंबर डी है सितंबर सनलाइट। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सितंबर सनलाइट। 16th क्वेश्चन है वॉज ट्रांसफर्ड epithet was used in the poem the laburnum top। option a hai her bared faced identity mask, option b hai engine of her family, option c hai sleek as a lizard, option d hai september sunlight। and your answer is option number a her bared faced identity mask। next question hai bachcho what does the phrase her bared face identity mask mean। option number a hai because she was ब्राउन इन कलर, ऑप्शन बी है ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। 18th क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज्ड इन द पोयम। ऑप्शन नंबर ए है रेड, ऑप्शन नंबर बी है येलो ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है येलो, ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी येलो। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द वर्ड स्लीक इन द पोयम। ऑप्शन ए है लिजार्ड, ऑप्शन बी है बर्ड, ऑप्शन नंबर सी है ब्रांच, ऑप्शन नंबर डी है टॉप ऑफ द ट्री। एंड योर आंसर इज लिजार्ड। बच्चों आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोयम। ऑप्शन नंबर ए है लिजर्ड, ऑप्शन बी है मशीन, ऑप्शन नंबर सी है लबर्नम ट्री, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे अगर आपने स्टोरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। और बच्चों उम्मीद है कि आपको MCQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको MCQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप टर्न फर्स्ट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और MCQ क्वेश्चंस के साथ। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे DY इंस्टीट्यूट की फैमिली के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।